आपने अपने आसपास कई कीड़े मकोड़े देखे होंगे, जिसे देखकर कईयों के तो रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। तो ऐसे व्यक्तियों से अनुरोध है कि इस वीडियो से आप दूर ही रहें। और जो लोग ये समझते हैं कि इंसेक्ट जब खुद ही इतने छोटे होते हैं तो वो बुद्धिमान और खतरनाक कैसे हो सकते हैं, तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद इंसेक्ट के प्रति आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस वीडियो को आप अंत तक देखने का साहस जरूर करेंगे और इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। एंट लायन। एक पूर्ण विकसित एंट लायन दिखने में किसी सुस्त ड्रैगन फ्लाई जैसा लगता है, जो आपके ख्याल से ये उतना खतरनाक तो नहीं हो सकता, और इस केस में आप सही भी हैं। पर इसके लार्वा के बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे कि ये किस लेवल के शिकारी होते हैं। एक एंट लायन का लार्वा किसी रेत के अंदर छिपा होता है और उन सभी जीवों को खा जाता है जो इस रेत के छोटे से गड्ढे में फंस जाता है। और रेत के फनल में किसी जीव के फंसने से पहले एंट लायन रेत के अंदर चुपचाप छिपा होता है, और ये तभी बाहर आता है जब तक कि कोई इसमें फंस न जाए। एंट लायन काफी समझदार शिकारी भी होते हैं, जो रेत के फनल से बचने की कोशिश करने वाले जीवों पर रेत फेंकते हैं ताकि वो रेत के गड्ढे में आ सके और बिना किसी मेहनत के ये उनका शिकार बन सके। ये शिकारी इस रेत के जाल में फंसे किसी भी छोटे से बड़े जीव, जैसे छोटे बीटल, तितलिया, कैटरपिलर या अन्य दूसरे कीड़ों को अपना शिकार बना लेते हैं। पर एक बार इस लार्वा का जब विकास होता है तब ये कमजोर एडल्ट एंट लायन बन जाते हैं। एमरल्ड कॉकरोच वास्प। आपने ज़ॉम्बीज के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके हमले से इंसान ना तो ज्यादा देर तक जिंदा रह सकता है और ना ही तुरंत मरता है। खैर, ये तो एक कल्पना है, पर इंसेक्ट वर्ल्ड में यह उतना ही सच है। एमरल्ड वास्प दिखने में काफी खूबसूरत होता है, मानो कि एमराल्ड के पत्थर का इंसेक्ट बना हो, पर ये किसी असल ज़ॉम्बी से कम नहीं होते। हालांकि इस जीव की लंबाई 2 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होती, पर ये अपने से बड़े कॉकरोच को अपना शिकार बना लेते हैं। ये एमराल्ड वास्प पहले कॉकरोच को काट कर उसे पैरालाइज कर देते हैं, जिससे कॉकरोच हिलडुल भी नहीं पाते, और बाद में वास्प कॉकरोच का एंटीना पकड़कर उसे अपने बिल में ले जाते हैं और अपना भोजन का लुप्त उठाते हैं। असैसिन बग। इस कीड़े का नाम ही काफी है इसे समझने के लिए कि ये कितने खतरनाक शिकारी होते हैं। ये धरती में लगभग हर जगह पाए जाते हैं और दूसरे छोटे इंसेक्ट के लिए जीती जागती मौत होते हैं। इंसेक्ट वर्ल्ड में असैसिन बग को मौत की मशीन कहा जाता है, क्योंकि इसके पास एक खतरनाक हथियार इसके शरीर से जुड़ा होता है। ये पहले घात लगाता है, फिर अपने शिकार को मजे से पकड़कर उसमें अपना डंक चुभोकर उसे अंदर से ही खा या यूं कह ले पी जाता है, चाहे वो जीव जिंदा हो या नहीं। स्पाइडर। जब चालाक और खतरनाक शिकारी इंसेक्ट की बात हो ही रही है तो इस पे स्पाइडर का नाम कैसे छूट सकता है, जिसमें जाले बनाने की खास कला होती है और कुछ ब्लैक विडो सा बेरहम। पर स्पाइडर में कुछ ऐसे भी प्रजाति होते हैं जो आपके सोच से भी जल्दी किसी छोटे जीवों पर हमला कर सकते हैं। इस प्रकार के स्पाइडर किसी पेड़ के खोखले हिस्से, किसी पाइप या मिट्टी के अंदर गड्ढा कर उसे अपने जाले और मिट्टी से ढक देते हैं, और जब शिकारी उस मकड़े के घर के आसपास होता है तो एक सेकंड से भी छोटे समय में ये उन पर अचानक हमला कर देते हैं, जिससे शिकार को ये भी पता नहीं चलता कि वो कब मारे गए। इस प्रकार के स्पाइडर में सिर्फ फीमेल स्पाइडर ही शिकार करते हैं और मेल स्पाइडर को दूसरे फीमेल स्पाइडर की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता है। और कुछ मकड़ियों के सिर पूरी तरह से फ्लैट होते हैं, जो अपने बिल के लिए डोर का काम करते हैं, जिसे दूसरे जीव समझ नहीं पाते और इसका आसान शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही एक जीव टर्टल एंट भी होता है, जिसे सोल्जर एंट के नाम से भी जाना जाता है। ये बिल में दरवाजा का काम करते हैं ताकि दूसरा जीव इसके अंदर ना जा सके। युक्थिसिया कैटरपिलर। ज्यादातर कैटरपिलर को शाकाहारी माना जाता है क्योंकि वो पत्तों को खाते हैं, पर अमेरिका के हवाई में रहने वाले युक्थिसिया कैटरपिलर एक गॉड लेवल के शिकारी होते हैं। ये दूसरे जीव को अपना आहार बनाते हैं। ये कैटरपिलर किसी पौधे के पत्ते या टहनियों पर रहते हैं, और चूंकि इनका रंग पत्तों और टहनियों से काफी मिल जाता है तो कोई इसे देख नहीं पाता, और तब होता है शिकार। जब शिकार इनके करीब आ जाता है तो ये अपने हाइंड लेग, जो कि काफी चिपचिपी और हाइंड लेग के पीछे हाथ जैसी संरचना पाई जाती है, से शिकार को कुछ ही पल में पकड़ लेते हैं
और अपनी भूख मिटाते हैं। प्रेडेटोरी फायरफ्लाइज। प्रेडेटोरी फायरफ्लाई अक्सर पेरू के जंगलों में पाए जाते हैं, जो रात के समय काफी चमकते हैं और ये चमक की तरफ आकर्षित होकर कई इंसेक्ट इनका शिकार बन जाते हैं। ये जीव किसी कीचड़ में बने छेद में रहना पसंद करते हैं और ये स्थान बनता है इनके लिए शिकार करने का उचित स्थान, ताकि कीचड़ के चिपचिपे होने के कारण कोई दूसरा जीव जल्दी से यहाँ से भाग न पाए और वो वहीं फंसे रहे। साथ ही ये जीव कीचड़ में सिर्फ अपना सिर और बड़े जबड़े को खोल कर रहते हैं, ताकि शिकार करते वक्त समय की ज्यादा बर्बादी ना हो। इपोमस बीटल। इपोमस बीटल को एम्फीबियन किलर के नाम से भी जाना जाता है, जो आकार में भले ही छोटी हो पर ये होते बड़ा खतरनाक है, जो शिकार की तलाश में तब से ही लग जाते हैं जब ये लार्वा स्टेज में होते हैं। और ये लार्वा इतने चालाक होते हैं जो बड़े मेंढक को मूर्ख बनाकर उनका शिकार कर लेते हैं। पहले तो ये मेंढक को लड़ाई के लिए उकसाते हैं, जब मेंढक उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो इपोमस बीटल उसके टांगों को काफी चोट पहुंचाते हैं, ताकि मेंढक हिलडुल ना सके। और अगर किसी तरह मेंढक उस बीटल को निगल जाता है, पर फिर भी वह बीटल को पचा नहीं सकता, जिसके कारण उसे पुनः वापस बाहर निकालना ही पड़ता है। इसके अलावा ये लार्वा बीटल मेंढक के शरीर से चिपक जाता है और उसके अंदर से सारे लिक्विड को पी जाता है और उसके बाद हो जाती है मेंढक की मौत। प्रेडेटोरी सी पॉलिकेट वॉर्म। ये जीव समुद्र में 30 से 40 मीटर की गहराई में रहते हैं और इस जीव की लंबाई 2 से 3 मीटर तक होती है, जिसका शरीर का सिर्फ सिर वाला भाग सतह के ऊपर, बाकी हिस्सा जमीन के नीचे होता है। इसके सिर पर 5 एंटीना जैसी संरचना होती है, जिससे ये अपने शिकार की मौजूदगी को जान पाते हैं। और कोई छोटी मछलियां इसके मुंह के सामने आती है तो ये अचानक उन्हें अपने शक्तिशाली मुंह से पकड़ लेते हैं। और इनके द्वारा किया गया यह हमला काफी तेज होता है, जो इसे गॉड लेवल का हंटर बनाता है। ये वॉर्म बड़े मछलियों को भी अपना शिकार बना लेते हैं, क्योंकि इनमें भी पैरालाइज करने वाले टॉक्सिन होते हैं, और जिनके मदद से शिकार करना इनके लिए आसान हो जाता है। जायंट वाटर बग। ये बग दुनिया के लगभग हर जगह पाए जाते हैं और इसकी लगभग 150 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से सबसे बड़ा वाटर बग अमेरिका में पाया जाता है, जो 10 से 15 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। और इनकी सलाइवा में पैरालाइज करने वाले जहर पाए जाते हैं, जिसकी मदद से ये पानी में मौजूद लगभग सभी को अपना शिकार बना लेते हैं। हालांकि इनका साइज आपको डरा ना सके, पर इसके द्वारा हमला किसी को भी चौंकाने के लिए काफी होता है, जो मेंढक से लेकर सांप तक को अपना निवाला बना लेते हैं। तो आपको इस वीडियो में दिखाए गए कौन सा इंसेक्ट सबसे डरावना लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।